पुंडरी हल्के से आजाद प्रत्याशी सज्जन सिंह डुल के चुनाव को उस समय और मजबूती मिली जब गांव करोड़ा के लोगों ने भी सज्जन डुल को समर्थन देने की बात कही। शनिवार साय को बाबा रामनाथ व दादी सती की पावन धरा गांव करोड़ा में आसन पर विशाल जनसभा हुई, जिसमें गांव पाई भाना व करोड़ा गांव के हजारों लोग शामिल हुए। इस जनसभा में सज्जन सिंह डुल ने कहा कि हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए हमें एक होना होगा, तभी हम दूसरे गांव को भी अपने साथ लगा सकते हैं। सज्जन डुल ने झोली फैलाकर इस बार साथ देने की मांग की और कहा कि मुझे मौका मिला तो मैं आपका कर्ज सूद समेत उतारने का काम करूंगा। गांव करोड़ा के बुजुर्गों ने सज्जन डुल को पगड़ी पहनाते हुए पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। देखिए तीन गांव का पूर्ण समर्थन मिलने के बाद सज्जन सिंह डुल ने क्या कहा। ये शुरू से ही है सारे हल्के में प्रचार के भाई पाई भाना करोड़ा एक होके आ जाओ, आप इलेक्शन जीत रहे हो। तो आज वो स्थिति आ गई है, आपने देखा होगा पीछे आए पाई जो है ना एक हो चुकी है पूर्ण रूप से, भाना जो है ना हमारा पूरा साथ है। आज करोड़ा की पवित्र भूमि पर मेरे को आशीर्वाद मिल गया, अब एक नंबर में आ गया, ये याद रखना। पूर्व विधायक ने जैसे कांग्रेस को समर्थन दिया है, पूर्व विधायक ने कांग्रेस को समर्थन दिया, उस चीज का आप लोगों को कोई नुकसान है या फिर कैसे? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, क्योंकि वो वोट बैंक मेरे साथ थोड़ा ही था, उस प्रत्याशी का वोट बैंक खिसक चुका था, फील्ड में कुछ नजर नहीं आया, इसलिए उन्होंने खुद जाके कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। जो बाकी लोग जुड़े हुए हैं अब वो मर्जी से देंगे, जहाँ वोट देने किसी के साथ कोई नहीं चलता। तीन दिन में चुनाव कितना बदला है सज्जन जी का? जमीन आसमान का फर्क है, जनता बताएगी। कल ढांड का आपने हजूम देखा होगा और मेरे पास फोन बहुत आने लगे, क्योंकि अब मेरे को जीत की तरफ लोग मानने लगे, पर आज के बाद परमात्मा शुक्र रखेगा जीतेंगे। क्या कुछ आप संदेश देना? संदेश मैंने अभी अपने लेक्चर में भी दे दिया, भाई जाति पात की एक तो राजनीति है, इसको खत्म करना है, 36 बिरादरी अपनी। दूसरा जो आपका MLA बनता है भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। विकास हल्का क्या कराए अपना ना कराए, 36 बिरादरी को साथ ले और सबका, जिस भाई ने वोट दी जिसने नहीं दी वो सारे मेरे अपने, जितने सरपंचेज हैं, कोई कहीं लग रहा है, कोई लग रहा है कहीं लग रहा है, लेकिन बनने के बाद वो सारे गांव सारे सरपंच मेरे होंगे, मिलके हम सारे हल्के का विकास कराएंगे। पहले वाले विधायकों ने इन गांव का कोई विकास नहीं करवाया? नहीं, वैसी दुख में मैं खड़ा हुआ हूँ, वोट ले जाते रहे लेकिन यहाँ विकास क्या था ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं हुआ, और इसी दुख में आज खड़ा हुआ। एक MLA हमारी तरफ बैठा है, वोट ले जाते हैं, वोट डालने की हमें जगह ही नहीं, मैं नहीं खड़ा होता तो कहाँ सम्मानपूर्वक हम वोट डाल सकते थे, डाल ही नहीं सकते थे। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और मैं कहता हूँ कि जिस पवित्र आसन पे आज हम खड़े हैं, परमात्मा ने मेरे को सफल बन दिया, इसको भी चमका देंगे, बिल्कुल ऐसी पवित्र जगह बना देंगे, इसको चमका के जाऊंगा मैं खुद आके। जिन गाँव ने आपको समर्थन दिया है कितने की वोटें हैं इन गाँव की? जैसे मेरे ख्याल में 8,500 पप्पू जी होंगी करोड़ा की, 14,000 पाई की है, 6,500 भाना की है, 2,200-2,400 उसकी होगी रमाना की, 3,500 हजवाना की, 1,500 कुलकंडे की और डीक की भी होंगी 4,000 के करीब। तो एक विधायक यहीं बैठा है। कितने गांव का समर्थन मिला है आज? तो करोड़े गांव से मांगने आए थे हम खाली, क्योंकि पहले तो हम मेरे तीन गांव का ले लिया था और कल परसों में हजवाने का मांग लेंगे जाके, सारे भाई एक हो जाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। सज्जन सिंह डुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपके साथी हैं, कोई आपका आशीर्वाद मिल जाए तो इस चुनाव में 4 चांद लग जाएंगे। तो गांव करोड़ा के लोगों ने ये कहा था कि जी हम आपको दोबारा बुलाएंगे आसन पर, फैसला करेंगे, विचार करेंगे और आपको एक अच्छा ही फैसला देंगे। आज उस फैसले की घड़ी में मेरे गांव करोड़ा के बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने जो इस बात पर मोहर लगाई है कि भी सज्जन सिंह आप आगे बढ़ो, गांव करोड़ा पाई से पीछे नहीं रहेगा, इसके लिए मैं गांव करोड़ा की 36 बिरादरी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं। अगर कभी कोई करोड़ा गांव से कोई साथी कोई आगे आएगा तो फिर आपका जो ये एहसान है वो हम उतारने का काम करेंगे साथियों। इस बात का मुझे पूर्ण भरोसा है कि बाबा रामनाथ की ये पावन धरा हमें कभी निराश नहीं करेगी, हमें आगे बढ़ने में सहयोग करेगी और निश्चित तौर पर ठीक है भाई, हम आपका आशीर्वाद लेने आया, कोई ईसा आशीर्वाद दे और बेड़ा पार कर दो। और भाई तो भाई मांगता है भाई।
भाई तो भाई आता है, किसी प्रकार का वो गिल्ला सिकुआ नहीं है। आज हर वर्ष की बात है, जो हमारा डेवल का साथ है, भाईचारा है, सबकी जैत के साथ प्यार है। मैं तो बल्कि बीमार सा रहूं, ये सज्जन जो रहता तो कोड़ा चलना पड़ेगा, तेरी कोड़ा जाने तो छाण है। अरे भाई मैंने खटिए ले चल, कोई बात नहीं, कोड़ा अपने से दूर नहीं है, अपना आपा एक करो, कोड़ा हमारे साथ है। धन्यवाद। सत्यवान पप्पू, वैसे पप्पू प्रधान बोल रहे हैं। आज तीन गांव की पंचायत सज्जन डूल के लिए समर्थन मांगने पहुंची, तो क्या फैसला करोड़ा द्वारा लिया गया? तो सर छत्तीस बिरादरी ने मिलकर पहले से ही तैयारी कर रखी थी, तो फैसला चौधरी सज्जन सिंह के समर्थन में लिया है, एकजुट होकर सभी इसको वोट करेंगे। तो पहले भी समर्थन मांगने आए थे, तो आज फैसला लिया गया, पहले क्या हो? पहले पूरा गाँव का हमारी सहमति नहीं बनी थी, कुछ बाहर थे, तो इतने एक हफ्ता के लिए मंथन करिए गाँव ने पूरे ने, छत्तीस बिरादरी को हम साथ लेकर चलते हैं, और पाई गाँव से हम कभी पीछे नहीं, पाई गाँव हमारे साथ चलता रहा, हम पाई के साथ चलते हैं।